जो संविधान हमारे देश का है उस ग्रंथ का उस पावन ग्रंथ का एक एक अक्षर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कलम से लिखा गया बड़ी ज्यादा निर्मला तो 2 बजे पहुंचते बाबा साहेब जाग रहे थे और लालटेन की रोशनी में दिख रहे थे पंडित जी ने कहा कि इस समय आप जाग रहे हो इस समय आप जाग रहे हो और लिख रहे हो तब बाबा साहेब ने कहा कि पंडित जी आपकी कौम जाग रही है इसलिए आप सो रहे हो मेरी कौम सो रही है इसलिए मैं जाग रहा हूं उस सोई हुई कौम को जगाने के लिए आप ग्रंथ भी गए थे और जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने उस ग्रंथ को लिख करके तैयार कर दिया उनको पता था कि आने वाले वक्त में क्या क्या होना है जिंदगी ने साथ नहीं दिया ऐसे में मृत्यु से इस मूवमेंट को धक्का लगा बाबू जगजीवन राम के साथ के नाम पर दलित को 20 साल तक 1956 से 1984 तक 20 साल तक जिस तरह से बंटवारे के बाद मुसलमान को उसी तरीके से बाबा साहेब की मौत के बाद इस मूवमेंट को धक्का लगा आरक्षण के नाम पर नौकरियां दी गई ये बात सही है लेकिन वो नौकरियां दलितों के उस हालात को बदलने में नाकाफी थी और 21% बैकलॉग आज तक नहीं भरा जा सका यह कमी सबसे ज्यादा अगर थी तो इसको देखने का काम माननीय काशीराम ने किया और 1984 के बाद माननीय काशीराम ने इस मूवमेंट को इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी के अंदर आया है तो चाहिए की तरह नहीं आया हूं मैं इस मूवमेंट को पढ़ करके आया हूं इसको देख करके आया उसकी गहराई को समझ करके आया हूं और ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो बार बार प्रचार चलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ बहन जी हाथ मिला लेगी बहन जी किसी भी सूरत में उस मूवमेंट के साथ किसी भी सूरत में उस मूवमेंट के खिलाफ किसी के साथ हाथ नहीं मिला सकती जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस उस मूवमेंट को खत्म करने के लिए उन्होंने एजेंडा जारी किया हो वो कभी हाथ नहीं मिला सकती क्योंकि यह आंदोलन देश की तकदीर को बदलने के लिए समाज की तस्वीर को बदलने के लिए एक मिनट भाई बैठ जाओ रे भाई ये इतनी इंपॉर्टेंट बात हो रही आप समझ नहीं रहे हो ये तस्वीर को बदलने के लिए है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपने उस समय जब दलित समाज के तसव्वुर करिए उन्होंने उस समय में आज की तस्वीर को खींच करके देखा था कि कब मेरे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर 1956 में चले गए लेकिन बाबा साहेब भीमराव के जाने के 30 साल के बाद लगभग 2 जून 1995 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो सपना साकार हुआ बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनकर के कलम तुम्हारे हाथ में होगी ये सत्ता की कुंजी तुम्हारे हाथ में होगी जब तक सत्ता हाथ में नहीं होगी हम किसी का भला नहीं कर सकते हमें हर कीमत पर हुक्मरान बनना होगा और हुक्मरान बनने के लिए जो करना पड़े हमें करना होगा बिना हुक्मरानी के तुम किसी समाज का भला नहीं कर सकते हमें बार बार पाठ पढ़ा दिया जाता है भाजपा का डर दिखा दिया जाता है अरे भाजपा के डर में जिंदा रहोगे कि अपनी कौम की भलाई के लिए काम करने की बात करोगे क्या इन सरकारों के अंदर क्या इन सरकारों में जो सरकारें चली हैं मैं बड़ी बड़ी पार्टियों में साथ रहा हूं मुझे देश के बहुत बड़े नेता ने कहा बहुत बड़े नेता ने कहा देश के कि क्या करूं पार्टी के अंदर आधी तो आरएसएस पार्टी में घुस गई आरएसएस अगर कहीं घुस नहीं सकती वो है बहुजन समाज पार्टी जहां आरएसएस घुस नहीं सकती और घुस इसलिए नहीं सकती
कि उसको चलाने वाले मूवमेंट को चलाने वाले लोग आरएसएस के एजेंडे को अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं।